नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पलाश एक ऐसा वृक्ष है जो संपूर्ण भारत में देखा जा सकता। आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला यह पलाश का वृक्ष इतने सारे अनगिनत औषधीय फायदे देता है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यदि किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसमें यह पलाश का उपयोग करने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा उत्तम विषनाशक है जो शरीर के अंदर विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। गले के रोग, पेट के रोग, पेट के कीड़े, खूनी बवासीर, सभी प्रकार के चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, मूत्र संबंधी विकार, पुरुषों के रोग, नपुंसकता, शारीरिक कमजोरी, वल्लवीर की कमी, स्वप्न दोष आदि समस्याओं में बहुत लाभ करता है। हाइड्रोसिल और डायबिटीज जैसे गंभीर और सामान्य रोगों को यह बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। यदि आप भी इस पलाश की सटीक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। सबसे पहले हम आपको इस पेड़ की पहचान करा देते हैं। गर्मियों की ऋतु पर इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और संपूर्ण पौधे पर फूली फूल नजर आते हैं। देखने में वृक्ष बहुत ही सुंदर लगता है। इस पर इस तरह के फूल लगते हैं जो केसरिया रंग के होते हैं। पलाश पर फूल आने के बाद जब फूल झड़ने लगते हैं तो उसी समय इसकी फलियां आने लगती हैं। और जब इसकी फलियां आती हैं तो सारे फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि फूलों के अंदर से ही फलियां बनने लगती हैं। कभी कभी फलियां नहीं बन पाती हैं और सारे फूल झड़ जाते हैं। पलाश पर तीन तीन के जोड़े में पत्ते लगते हैं। पलाश के पत्तों से दोना और पत्तल बनाने का कार्य पहले बहुत अधिक किया जाता था, लेकिन आज भी कहीं कहीं पर इसके दोना और पत्तल बनाए जाते हैं। पलाश के फूलों की एक विशेषता यह होती है कि ये फूल दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। पलाश का पेड़ उत्तम विषनाशक है। आज के समय में खाने पीने की चीज और अनाजों में किसी न किसी रूप से विषैले तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि अनाजों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, खरपतवार नाशक, कीटाणु नाशक दवाएं डाली जाती है, जिनका असर अनाज में भी आ जाता है। और ये विषैले तत्व अनाज के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एकत्र होने लगते हैं, तो यह पलाश का सेवन करने से यह विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। हमारे शरीर को पलाश डिटॉक्सिफाई करता है। पलाश की छाल इस प्रकार की होती है और कुछ पलाश के पेड़ों से गोंद भी रिसता है, जिसे पलाश का गोंद कहा जाता है। इस पलाश के पेड़ों को अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है और इस पलाश की कई प्रजातियां होती हैं, जैसे कि बेल पलाश, गधा पलाश, सफेद पलाश, पीला पलाश और ये लाल पलाश। हर साल मार्च के महीने में होली का त्योहार आता है और पलाश के पेड़ पर चारों तरफ फूल ही फूल लद जाते हैं। प्राचीन समय से ही पलाश के फूलों से होली खेली जाती रही है। जैसा कि पलाश के फूल विषनाशक होते हैं, यदि पलाश के फूलों का लेप शरीर पर किया जाए तो यह सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करता है। यदि इसका रंग बनाकर नहाया जाए या फिर इससे होली खेली जाए तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पित्त का शमन करता है और गर्मियों में होने वाली समस्याओं को दूर करता है। पलाश के फूलों से रंग बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके फूलों को रात में पानी में गला कर रख दीजिए और सुबह देखेंगे कि पानी केसरिया रंग का हो जाता है। इन फूलों को मसल कर छान लेने से रंग तैयार हो जाता है। या फिर इसके फूलों को सुखाकर बारीक पाउडर बना लें और उस पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और पेस्ट को कुछ देर रखा रहने दें। उसके बाद इस पेस्ट से होली खेल सकते हैं। यदि इस पेस्ट को उपटन की तरह पूरे शरीर पर लगाकर स्नान किया जाए तो शरीर में शीतलता आती है और अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है। इस पलाश के पेड़ को लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते पहचानते हैं, जैसे कि हिंदी में इसको ढाक, पलाश, खाकर, पारस, टेसु आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। उर्दू में पलाश पापरा, ओड़िया में पोलासी, गुजराती में खाकड़ा, तमिल में पलासु, तेलुगु में मोडुंगा, मराठी में पलस, नेपाली में पलासी आदि नाम से जाना पहचाना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस पलाश के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी भाई बहन के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए पलाश के कुछ औषधीय गुण, प्रयोग और फायदे जानते हैं, जिससे आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे तथा अपनी जानकारी भी बढ़ा पाएंगे। आयुर्वेदिक मत अनुसार पलाश रक्त स्तंभक, मूत्रल, कुष्ठ घन, ज्वार घन, दहा शामक, कफ पित्त शामक, कृमि घन, उत्तेजक, विष घन और प्रमेय घन होता है। इसके फल स्तंभक और प्रमेय घन होते हैं।
पलास की गोंद स्तंभक, अम्लता नाशक, ग्राही, ब्रश और बलकारक होती है। यह संग्रहणी मुख रोग तथा खांसी में बहुत ही लाभ करती है। पलास की जो छाल होती है वह कटु, बाजीकर और कृमि घन होती है। पलास की जड़ वेदना शामक, कृमि घन, बावासीर तथा नए पुराने घाव को ठीक करती है। चलिए इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं। जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद की समस्या है या फिर मोतियाबिंद प्रारंभिक अवस्था है तो उसमें काफी फायदा मिलता है इस पलास के द्वारा। इसकी जड़ का छोटा सा हिस्सा काटने के बाद उसको अच्छे से कूटकर उसका रस निकाल लीजिए और उस रस को किसी कांच की बॉटल में भरकर रख लें और एक एक दो दो बूंद रोज आंख में टपकाते हैं तो मोतियाबिंद कट जाता है। इसके साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होने लगती हैं, जैसे कि रतौंधी, आंख में खुजली चलना, पानी आना या दर्द बने रहना, ऐसी समस्याएं भी दूर होती हैं। जिन व्यक्तियों के या फिर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो पलास के बीजों को बारीक पीस कर चूर्ण बना लें और आधी से एक ग्राम मात्रा में लेकर शहद में मिलाकर चटाते हैं तो पेट के कीड़े नष्ट होने लगते हैं। खूनी बवासीर की समस्या को दूर करने के लिए पलास का उपयोग करना सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। इसके लिए इसका एक बहुत ही अच्छा सा प्रयोग है, फूल पत्ते जड़ तना यानी कि इसके पंचांग को ले लेना है और उसकी भस्म बना लेना है। इसके पंचांग के छोटे छोटे टुकड़े करके किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर उसको अच्छी तरह मिट्टी से पैक करने के बाद आग के बीचों बीच उसको रख दें और जब बर्तन पूरा लाल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपकी भस्म तैयार हो गई है। उस भस्म को निकालकर 2-3 ग्राम की मात्रा लेकर गाय के घी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से खूनी बवासीर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के मूत्र संबंधी विकारों में पलास एक रामबाण दवा का काम करता है। गर्मियों के मौसम में मूत्र त्याग करते समय होने वाली जलन के लिए इसके फूलों का शरबत बनाकर सेवन करना चाहिए या इसके ताजे फूलों को खाना चाहिए या फिर इसके फूलों को रात में पानी में गलाकर रख दें और सुबह उनको मसल कर उस पानी को पीने से भी मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं। बहुमूत्र की समस्या, धातु रोग, मूत्र का रुक रुक कर आना जैसी समस्याओं में भी पलास के फूल बहुत अच्छा फायदा दिखाते हैं। यदि अंडकोश की सूजन है तो इसके फूलों को कपड़े की पोटली बनाकर पानी में खूब उबालें और उस पोटली को गुनगुना बांध देने से हाइड्रोसेल की समस्या, सूजन, दर्द खत्म हो जाता है और इस पोटली को 7-8 घंटे बाद बदलते रहना चाहिए। भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आज ये स्थिति हो गई है कि सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी हमारे भारत में ही हो गए हैं और यदि पलास के फूलों का सेवन किया जाए तो इस मधुमेह की समस्या को नियंत्रण में किया जा सकता है और महंगी महंगी दवाओं से बचा जा सकता है। फ्री का इलाज है। इसके फूलों को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर रख लें और 5-10 ग्राम की मात्रा में रोज सेवन करें, मधुमेह नियंत्रण में रहेगा। जोड़ों का दर्द, संधिवात, अर्थराइटिस जैसी समस्याओं में इसके बीजों को बारीक पीस कर चूर्ण बना लें और उसमें शहद मिलाकर पीड़ित स्थान पर लेप करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं और साथ में इसके फूलों का चूर्ण का 2-4 ग्राम की मात्रा में रोज सेवन करना चाहिए। यदि कोई घाव है जो भर नहीं रहा है तो वहाँ पर पलास के गोंद का पाउडर बनाकर लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है। पलास का गोंद, पलास के फूल, पलास के पत्ते, ये सारी चीजें आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी या फिर आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यदि ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर हम आपको इसका लिंक दे देंगे। कुष्ठ रोग और चर्म रोग को दूर करने के लिए पलास के बीजों से तेल निकाला जाता है। पलास के पेड़ पर जो फलियां लगती हैं उनमें इस प्रकार के चपटे बीज निकलते हैं, इन बीजों का तेल निकाला जाता है और ये तेल यदि कुष्ठ पर लगाया जाए तो कुष्ठ ठीक हो जाता है तथा ये चर्म रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है इसका तेल। यदि आप दांत खाज खुजली से परेशान है और काफी इलाज करने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो पलास के बीजों को नींबू के रस के साथ घिसकर लेप तैयार करें और उस लेप को लगाते हैं तो आपकी दांत खाज खुजली चुटकियों में ठीक हो जाती है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी की समस्या है वह पलास की जड़ का रस निकालकर 2-4 बूंद दोनों नाक के नथनों में टपकाते हैं तो मिर्गी की समस्या ठीक होने लगती है। जो व्यक्ति स्वप्न दोष, धातु रोग या फिर वीर क्षय के कारण आई कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो पलास के फूलों में मिश्री मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करें और यह चूर्ण मसाने की गर्मी को भी शांत करता है। पुरुषों में होने वाली नपुंसकता को दूर करने के लिए पलास के बीजों का तेल इंद्रियों पर मालिश करने से लाभ मिलता है। पलास एक उत्तम रसायन का काम भी करता है और अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप पलास का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए पलास के बीजों का चूर्ण, आंवला का चूर्ण, मिश्री और घी, इन सभी को समान मात्रा में लेकर अच्छे से मिलाकर लगभग 10 ग्राम की मात्रा तक
रात को सोने से पहले लेने से आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। यह बालों का झड़ना, शारीरिक कमजोरी, नपुंसकता, वीर संबंधी विकार आदि समस्याएं दूर होती हैं। शारीरिक बल बढ़ता है तथा बुद्धि का विकास होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आप भी इस पलास का कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भारत की वनस्पतियों की रक्षा करें और उनका रोपण करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।